मरीन ड्राइव, मरीन ड्राइव, मरीन ड्राइव, मरीन ड्राइव, वो मरीन ड्राइव। नमस्ते सबको, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस नए व्लॉग में। और आज के व्लॉग में आपको थंबनेल देखकर पता चल गया होगा किस चीज का है। राजपाल यादव सर के साथ एक शूट था, तो उसी चीज का है। ये काफी दिन पहले हो गया था, काफी दिन भी पहले नहीं, थोड़ी टाइम पहले हो गया था, लेकिन ये जो वीडियो है, क्लिप है ना व्लॉग का, वो सारी गायब हो गई थी। तो अभी मैंने ढूंढ ढांड के निकाला है, क्योंकि बहुत क्रेजी दिन था। तो मैं चाहता था कि आप लोग देखो कैसा लगा, आप बताओ कि मतलब इन रियल भी ना वो बहुत मतलब मस्त है यार। मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है, सबको ही पसंद है वैसे तो, किसको पसंद नहीं है यार राजपाल यादव सर। हाँ। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। क्या क्या हुआ था उस दिन, क्या क्या वीडियो बनी थी, मैंने वीडियो भी इसमें डाली है कि क्या वीडियो बनाई है मैंने और राजपाल यादव सर ने, तो आप लोग देखना। बाकी अभी दादी सो रही है, तो मैं बनारस से कैसे शूट के लिए पहुंचा था वो दिखाता हूँ कि हुआ क्या था। तो हुआ ये कि मैं बनारस गया था, वापसी की ट्रेन थी जो कि लेट थी 10 घंटे। बिहार की ट्रेन ज्यादातर लेट ही होती है, तो अगर उसका वेट करता, उस पे चढ़ता, तो मेरा ये जो शूट है ना वो कैंसिल हो जाता, नहीं पहुंच पाता ना। तो फिर मैंने कैंसिल करी टिकट और फिर फ्लाइट करी और वहां से निकल गए। इन भाई ने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करी, ये मुझे स्टेशन पर मिल गए थे, तो इन्होंने मुझे अपनी बाइक पर छोड़ दिया और दो चार काम थे वो करवा दिए। यार बिहार के लोग ना दिल के बहुत अच्छे होते हैं, मुझे ही देख लो। Are you comedy me? तो ऐसे ऐसे करके मैं घर पहुंच गया था। फिर अगले दिन कार में बैठ के मैं निकल गया लोकेशन पे जहां हमारा शूट होगा राजपाल यादव सर के साथ। तो बहुत ज्यादा मैं एक्साइटमेंट में था, क्योंकि राजपाल यादव मुझे बहुत ज्यादा पसंद है वो, तो वहां पे जा रहे थे। तो पहले उनसे मिला, फिर मैंने उनको अपना कॉन्सेप्ट समझाया कि कैसे कैसे होना है, जो कि आप ये लोग वीडियो में देखो। आप लोग मुझे तो पता नहीं क्या करेंगे पापा, डर तो बहुत लग रहा है यार। तो पापा 36% भी नहीं ला पाए थे ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई तो आप एकदम से उठ के एग्जाम खत्म और इसको ना ऐसे फेल हो गए भाई, मैं तो सारे पेपर अच्छा। हाँ एक और एंगल से ले लीजिए ताकि Five, six, seven, go. अलग ही करेंगे एक कैसी है चुन्नी? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? मैं अच्छी हूँ, लेकिन यार एग्जाम हो गया, बहुत डर लग रहा है, पता नहीं कैसा रिजल्ट आएगा।
उत्तर तो मुझे भी लग रहा है, अगर कम नंबर आए ना तो पापा बहुत ज्यादा डांटेंगे यार। हाँ मेरे तो पिछली बार 90% आए थे तो कह रहे थे 1% कम कैसे रह गया, घर में नहीं घुसने दे रहे थे। अभी तो मुझे बहुत डर लग रहा है। डर तो मुझे भी लग रहा है यार, पता नहीं क्या होगा यार। भाई हमारे एग्जाम खत्म। तो सारा शूट खत्म करके हम गाड़ी में बैठ के निकल गए कुछ खाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। लेकिन पहली बात तो ये कि बहुत ज़्यादा मज़ा आया उनके साथ काम करके, राजपाल यादव सर के साथ। सबसे पहले ना मुझे शिल्पा शेट्टी मैम के साथ आया था, अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। और दूसरा ये राजपाल यादव सर के साथ अलग ही वाइब थी, अलग ही मज़े, और वीडियो भी अच्छी बनी। आपने भी देखी, बताओ कैसी लगी कॉमेंट करके। बाकी हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी तो हम कुछ खाने के लिए चले गए वहाँ पे। सोशल में थोड़ा बहुत खाया, बातचीत करी, वाय पिया, और बातचीत करते करते हम लोग गाड़ी बैठ के निकल गए घर की ओर। तो ऐसा था हमारा शूट, बिल्कुल मतलब मजा आ गया था उनके साथ काम करके। बिल्कुल वीडियो भी बहुत अच्छी बनी, और वो भी बिल्कुल मतलब एक नंबर के जॉली इंसान है, मजा ही आ गया। बाकी अगर ये व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं हम अगले व्लॉग में।